चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह निर्देशानुसार थानाध्यक्ष भरत कूप, प्रवीण सिंह एवं एसओजी प्रभारी को घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। एसओजी एवं थाना भरत कूप पुलिस द्वारा घटना के अनावरण हेतु अथक प्रयास किए गए, जिसमें लूटे गए मोबाइल फोन में एक सिम डाला गया था, जिसके संबंध में जानकारी करने पर दिलीप कुमार पुत्र भोला प्रसाद निवासी घुरेटनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के नाम से पाया गया। 12 अक्टूबर को अभियुक्त दिलीप कुमार उपरोक्त को घुरेटनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। 3 अक्टूबर को सायंकाल थाना क्षेत्र भरतकूप के चित्राहन मोड़ पर 7:30-8 बजे के आसपास एक दंपति मोटरसाइकिल से जा रहे थे। झाड़ियों में छिपे 4 लड़के आए और उन्होंने उनको ओवर पावर करके उनका मंगलसूत्र हवाई राज छीन लिया। इसी बीच एक और मोटरसाइकिल सवार वहां आए, उनको भी उन्होंने ओवर पावर किया और उनके भी पर्स, एटीएम कार्ड वगैरह सब छीन लिया। इस सूचना पे जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि वहाँ का घटनास्थल देखने से घटना की पुष्टि हो रही थी। उनकी तहरीर पर थाना भरतपुर पर मुकदमा लिखा गया। चूंकि 3 मोबाइल ये ले गए थे, जिसके आधार पे हम लगातार प्रयास कर रहे थे, एक व्यक्ति उसमें से संदिग्ध आया, उसकी तलाश में पुलिस थी। जब उसे पकड़ लिया गया तो पता चला कि ये लोग जो ज्वेलरी थी वो बेचने के लिए इनके और साथी इकट्ठा हुए थे। और ये भी पता चला कि इस घटना में 4 नहीं 5 लोग, एक व्यक्ति जहाँ ये मोटरसाइकिलें अपनी दोनों छिपा के आए थे वहाँ खड़ा, 4 लोग ऑपरेशन में लगे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।